स्मॉल विला डिजाइन 107 गज के अंदर ये बोल रहा हारा हुआ है। देखिए ट्रैक लाइन में डिजाइनर लुक में फील डिजाइन मजा आना चाहिए बॉस, देख के मजेदार लुक है। यहाँ पे सेकंड बेडरूम है, एक वार्डरोब स्लाइडिंग पे ग्रे और डार्क किचन है जहाँ पे हम यही नहीं अभी और सुनिए बॉस देखेंगे आज स्मॉल विला डिजाइन कैसे आप अपने घर को प्रीमियम और लग्जरी फील दे सकते हैं। इस घर के अंदर आप देख पाएंगे लग्जरी डिजाइनर घर लेके आए आज आपके लिए, और वो भी डिमेंशंस की बात करूंगा तकरीबन 22x45 के अंदर ये एरियाज हैं। और अल्टीमेट डिजाइनर घर की इसकी एलिवेशन की तरफ आ गए जहाँ पे एलिवेशन बहुत ही अमेजिंग लुक में आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन में हमने बहुत ही सुंदर एटिक डिजाइनिंग का काम किया जो कि अल्टीमेट डिजाइनर लुक दे रहा है। कितना सुंदर एरियाज हैं। अच्छा एक चीज प्रीमियम लग जाए तो उस तरीके के एरियाज का डिफाइंड वाला घर ये मिल रहा है आपको प्राइम लोकेशन में। तो खरीदना अभी नीचे के मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ पे हमने 22 फुट में यहाँ पे तकरीबन 11 फुट का ये गेट बनाया है जहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर पिलर्स का काम किया जहाँ पे ब्लैक कलर की टाइलिंग के साथ बहुत ही सुंदर एरियाज हैं। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लैंप्स की डिजाइनिंग। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन हम दोबारा देखेंगे जहाँ पे देखिए टॉप पे जो एटिक्स आ रहे हैं ना वो अल्टीमेट डिजाइनर लुक्स में आ रहे हैं। तो ऐसी डिजाइनर लुक्स में क्या चीजें हैं भैया, राइट हैंड साइड पे अपने स्क्रीन पे आप देखिए कितने सुंदर यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल की वर्किंग्स हैं। तो इस तरीके की डिजाइनर एरियाज कहाँ पे मिलते हैं आपको, मिलते हैं अंशुल के चैनल पर। तो प्लीज हमें फॉलो कर लें, फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अच्छा अब यहाँ पे तकरीबन ये एरिया बनाया जैसे हमने यहाँ पे घर के अंदर ही गाड़ी आज पार्क हो जाएगी। तो आजकल की पार्किंग स्पेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस तरीके के लुक बनाए जो कि सिंपल और एलिगेंट डिजाइनिंग लुक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये बात है, अरे सर क्या बात है। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर की टाइलिंग के साथ ब्लैक कलर का गेट है जहाँ पे हमने सिंपल रॉड्स का डिजाइन किया, और खोलेंगे यहाँ पे घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाएगी 11 फुट की चौड़ाई में और 12 फुट लंबा चौड़ा एरिया जहाँ पे घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो जाए। तो इस तरीके के डिजाइनर एरियाज बनाए, उसके साथ ही यहाँ पे बहुत ही सुंदर डिजाइनर लुक है जहाँ पे आपकी छोटा सा फ्रंट कोर्टयार्ड एरियाज है। डिमेंशंस की बात करूँगा तकरीबन 3 फुट की चौड़ाई में और ये 22 फुट लंबा एरिया जहाँ पे आपके बहुत ही सुंदर एरियाज हैं। अब यहाँ पे हमने नीचे काटी गई हैं जहाँ पे आपकी बहुत ही सुंदर एरियाज हैं, और यहाँ से राइट हैंड साइड में क्लॉक वाइज को स्टेज जा रही है जहाँ पे आपके मेन डोर दरवाजा जहाँ पे ब्यूटीफुल एरियाज में, ये देखिए मेन दरवाजा जहाँ पे हमने मॉडर्न फिंगरप्रिंट सेंसर्स का काम किया है। मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो अंशुल। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज़ टू डिलीवर। घर होता है कैसा वो होता है ऐसा बॉस, यहाँ पे डिजाइंड घर है। डिमेंशंस की बात करूंगा तकरीबन 11 फुट की चौड़ाई में और 20 फुट लंबा एरिया जहाँ पे आपकी देखिए यहाँ पे प्रॉपर हमने सोफा रखा हुआ है, 7-सीटर सोफा है फिर भी आपको प्रॉपर स्पेस नजर आ रहा है। ऊपर देखिए कितनी सुंदर एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे आपकी सीलिंग डिजाइन है, कितना अल्टीमेट डिजाइनर लुक में व्हाइट कलर की सीलिंग, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस काटे हुए हैं 2x2 के और डिजाइनर लुक दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अपने स्क्रीन पे देखिए हमने HDMR बोर्ड को काट कर बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग कर रखी है बैक एंड वॉल पे, और ऊपर भी हमने बहुत ही सुंदर एरियाज डिफाइंड है जहां पे आपकी मेटल का कास्टिंग्स लगी हुई है और मेटल एरियाज के साथ यहां पे लैंप्स का डिजाइनर, अल्टीमेट डिजाइनर घर, और वो भी मिल रहा है 100 गज के अंदर 110 गज के अंदर। तो कैसे मिलता है डिजाइन लुक्स में। उसके साथ ही यहाँ पे आपकी बहुत ही सुंदर डाइनिंग एरिया आ गया जहाँ पे हमने बहुत सुंदर एरियाज डिफाइंड है जहाँ पे ब्यूटीफुल एरियाज यहाँ पे वुडन और HDMR बोर्ड को काट कर यहाँ पे डुकू पेंट का काम किया गया, जहाँ पे हमने टीक पॉलिश का काम किया सिंपल डिजाइनर एरियाज में जहाँ पे आपकी बहुत ही सुंदर एरियाज हैं, जहाँ पे आपकी हमने छोटा सा शैंडलियर बनाया जो कि ओवरऑल लुक को जबरदस्त फील दे रहा है। उसके इसके स्पेशियस मॉड्यूलर किचन देखिए कितनी सुंदर मॉड्यूलर किचन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर हम सुंदर मॉड्यूलर किचन है जहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइटिंग का सुंदर वर्क किया गया है। यहाँ पे देखिए पुल हैंडल्स आपको कितने सुंदर लुक जबरदस्त एरियाज में दे रहे हैं। देखिए यहाँ से मैं पुल करूंगा कितना सुंदर पुल एरियाज बने हुए हैं। यहाँ पे आपके 3 फीट के चिमनी के लिए स्पेसेस बनी हुई है, यहाँ पे एंटी नॉइज वाली सिंक है, ये वेंटिलेटेड स्पेसेस है, और ये देखिए डेड स्पेस के लिए भी हमने प्रॉपर डिफाइंड एरियाज है। देखिए डेड स्पेस का यूटिलाइजेशन ऑफ देखिए, और यहाँ पे लैम्प देखिए हेलोजन लैंप जो कि फुल ग्लो दे रहा है आपके घर को, मजेदार लुक लग रहा है नहीं लग रहा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चीजें लुक में जबरदस्त होनी चाहिए। नीचे आपकी देखिए फ्लोरिंग कितनी सुंदर बनाई गई है। अब यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी एक बेडरूम है, यहाँ पे चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ जाके स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम है, एक लग्जरी फील दे दे उस तरीके का बेडरूम डिजाइनिंग कर रखा है। देखिए कितना सुंदर फील डिजाइन एरियाज हैं जहाँ पे आपकी वुडन ल्यूवर्स का काम है, बहुत ही सुंदर एरियाज हैं जहाँ पे देखिए कितने सुंदर आपकी बैक एंड वॉल
ड्रॉप डिजाइन्स हैं, तो नॉर्मल लुक में डिजाइनर लुक, उसके साथ ही अटैच्ड यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं, देखिए स्लाइडिंग वार्डरोब्स, स्लाइडिंग आराम से बंद क्लोज होने वाली चीजें। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो छोटे फोकस लाइट से हमने इस एरिया को उभारा हुआ है। देखिए ट्रैक लाइट होती है ना, उसमें फोकस लाइट्स आपको जिस भी एरिया को दिखाना है उस तरीके को फोकस लाइट से उभार दें, और सिंपल वाइट सीलिंग में ग्लो करने वाली टाइलिंग। उसके बाद चलेंगे सी अटैच्ड वॉशरूम, एक लग्जरी फील में वॉशरूम है, ब्लैक कलर की टाइलिंग और लाइट ग्रे टाइलिंग का वर्क, और ये देखिए कट पीसेस में हमने इसको टाइलिंग में इस्तेमाल किया गया। ये देखिए कितना टाइम लगता है इसको काटने में और उसको इस तरीके से डिफाइंड, देखिए कट पीसेस में टाइलिंग बनाई गई है और यहाँ पे ग्रे और डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन किया गया जो लुक में जबरदस्त नजर आ रहा है। देखिए मजा आ रहा है ना, देखिए तो चीज देख के आपको मजा आना चाहिए। उस तरीके के डिजाइनर एरियाज के साथ ये घर आपको मिल जाएगा। नीचे भी देखिए टाइलिंग, एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क, मजेदार लुक। आपको सारी वैनिटीज और सारी सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हम लगा के दे रहे हैं। वेंटिलेटेड स्पेसिस के साथ ये घर एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए कितने सुंदर आपकी एरियाज हैं। उसके साथ चलेंगे इसके अटैच्ड बैक कोर्टयार्ड एरिया जहाँ पे आपके लिए प्रॉपर स्पेसेस हैं। देखिए 8x8 का एरिया जहाँ पे आपको वेंटिलेटेड स्पेसेस हैं, आपके एसी के डक्ट्स वगैरह के लिए प्रॉपर स्पेसेस हैं। तो चीजें लुक में जबरदस्त होनी चाहिए भैया, और एक यूटिलिटी भी होनी चाहिए। तो यूटिलिटी एरियाज के साथ ये घर एज इट इज मिलेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, स्पेशियस सेकंड बेडरूम आपके लिए वेट करेगा बॉस। क्या मजेदार लुक है यहाँ पे। सेकंड बेडरूम है जहाँ पे आपकी पूरी की बैक एंड कुशनिंग कर रखी है। उसके साथ यहाँ पे छोटे छोटे दो लैंप्स लगाए गए हैं, ऊपर तक कुशनिंग कर रखी है, जहाँ पे जबरदस्त एरियाज में आपको ऐसे डिफाइंड एरियाज हैं। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे छोटे से लैंप से ये ग्लो कितना कर रहा है, और ये सेटिन माइका में आपकी स्लाइडिंग वार्डरोब है। सेटिन माइका जो कि एक माइका, जब आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे ना तो ऐसे लगता है कि वेलवेट की तरह ये एरियाज हैं। तो उस तरीके के एरियाज, एलईडी ग्लो पैनल, देखिए एलईडी टीवी उसके अंदर ग्लो कर रही है, लाइटिंग आ है ना, मजे तो मजा आना चाहिए बॉस देख के। तो चीजें लुक में जबरदस्त है। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम, सेकेंड वॉशरूम देखिए कितना सुंदर सेकेंड वॉशरूम है, जहाँ पे आपके बहुत ही सुंदर टाइलिंग का वर्क है। देखिए कितना सुंदर टाइलिंग है आपकी, ऑफ बेज कलर की, देखिए बहुत ही सुंदर मोज़ेक टाइलिंग के साथ। नीचे देखिए, नीचे मोज़ेक टाइलिंग के साथ वो जो कंबाइन कर रही है ना, अल्टीमेट फिनिश है। देखिए आपको कलर कॉम्बिनेशन में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। ये आपको वॉशरूम बड़ा नजर आ रहा होगा, वो छोटा नजर आ रहा था। क्यों नजर आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा लाइट कलर की टाइलिंग का इस्तेमाल किया, उधर डार्क ब्लैक और ग्रे टाइलिंग का इस्तेमाल था, इससे वॉशरूम छोटा नजर आ रहा था, लेकिन ये बड़ा नजर आ रहा है। तो चीजें लुक में जबरदस्त है बॉस, अल्टीमेट डिजाइनर एरियाज में मिल जाए तो कहना ही क्या। चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो कि स्पेशियस फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे आपकी क्लॉकवाइज में बॉस स्टेयर्स जाएंगी और अल्टीमेट डिजाइनर एरियाज में भैया कि आपको मजा आएगा। और यहाँ पे भी आपको ना, यहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर पे ना प्रोफाइल लाइटिंग का नजारा नजर आएगा। देखिए यहाँ से प्रोफाइल लाइटिंग आपको मजेदार लुक में नजर आएगी। तो चूजिए लुक में चलेंगे इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देखिए जो मैं प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल कर रहा था ना, बता रहा था, तो ये आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग का प्रॉपर नजारा नजर आ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा हमने किचन बना रखी है कि आपको लिए प्रॉपर स्पेसेस हो मॉड्यूलर किचन के लिए, उस तरीके के एरिया। उसके साथ ही अटैच हमारा बेडरूम आ गया, देखिए स्पेशियस बेडरूम। सीलिंग डिजाइन देखिए कितना सुंदर डिजाइन है, जो कि तीन एरियाज में आर्क्स में बना हुआ है, और जैसे मैं इसको स्लाइडिंग करूंगा तो एरियाज देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे देखिए मैं इसको खोलूंगा ना, तो यहाँ पे विंडोज डिजाइन देखिए, एक लग रहा है ना कि यार फील आ गया कि भैया मैं एक शिमला के कमरे में, तो उस तरीके का फील मुझे आ रहा है। बहुत ही सुंदर डिजाइनर लुक्स में ये घर एज इट इज मिलेगा। उसके साथ ही अटैच वॉशरूम एक लग्जरी फील में वाइट कलर की टाइलिंग के साथ, ऑफ बेज कलर की टाइलिंग का वर्क, बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, फिनिश आ रहा है। जो फिनिश तभी अच्छा आता है जब वो अच्छी लुक में हो और अच्छी डिजाइनर एरियाज में हो। तो आज हमने देखा एक 100 गज का डिजाइनर घर और अल्टीमेट डिजाइनर लुक में। अगर जो आपने घर खरीदना है, अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे कॉल की सकते हैं, और एक स्मॉल विला डिजाइन आइडियाज, और यहाँ से छोटा सा एक एरिया भी है जहाँ पे आपके प्रॉपर कोर्टयार्ड एरियाज हैं, जो कि बैक कोर्टयार्ड एरियाज बन सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें फॉलो कर लें, और फेसबुक पे देखें, अगर जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे देखें फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।